कैसे हो भाइयों, आपके मेरे चैनल में स्वागत है। और इससे पहले कि मैं फ्यूल का रिव्यू स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो मैंने कॉमिक्स रिव्यू की थी नागराज शिवा, जो इसका पहला पार्ट है, तो उसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वो पुलिस वाला जिस तरीके की भाषा बोल रहा है वो कौन सी भाषा है। तो मैं आज उसका आंसर देता हूँ। और भाई, वो बिहारी भाषा है जहाँ तक मैं पढ़ पाया, और क्योंकि उसके एक्सेंट एकदम वैसे ही लग रहे थे और उसका जो स्पीच बबल था एकदम यही इंडिकेट कर रहा था कि वो बिहारी है और बिहारी भाषा बोल रहा है। तो खैर, अगर आपको वीडियो नहीं देखा है तो भाई पहले से लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, देख लेना। और आज उसका सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं, फ्यूल। और ऐसा कवर थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को, और यहाँ पे ये 40 रुपये, 1 मिनट, 40 रुपये छपा है। तो और ये ओरिजिनल है, और यहाँ पे 3D चश्मे का लोगो दिया गया है, बोले कि ये फ्री है। लेकिन जब मैंने कॉमिक्स ली थी तो इसका फ्री नहीं था। तो भाई, कहानी शुरू हो चुकी है जिसमें दिखाया गया है कि भैया नागराज अभी से सार के बीच में है, और ये लोग किंग और नागमणि दोनों नज़र रख रहे हैं नागराज पे। अब सोचो कि भैया अंडर वाटर कैमरा कहाँ से आया। तो इन लोगों ने एक शार्क को भेज रखा था, मशीन वाली शार्क, और उसी शार्क की आंखों में ही कैमरा फिट है। तो नागराज इसमें आत्महत्या करने के लिए कूदा था, ऐसा किंग का मानना है। जो किंग ने देखा उसने यही प्रेडिक्शन लगाया, तो मगर ऐसा हुआ नहीं और नागराज वहाँ से निकल गया बच के, और उसके बम भी डिफ्यूज़ कर दिया, ये देख सकते हैं। तो उसके बाद कुछ चीज़ें मुझे बहुत इरिटेटिंग लगी इस कॉमिक्स में, कि जैसे नागमणि हमेशा पूछता रहता है किंग से कि भाई तू है कौन, तो उसमें बोलता है कि किंग उसे रिप्लाई देता है कि मैं बताऊंगा बताऊंगा। ये किसी भी चीज़ को राज रखने का बहुत ही बेकार बचकाना तरीका लगा मुझको। और ये मुझे पता है कि इसका राज तो खोलेंगे कि आखिर किंग है कौन, लेकिन एकदम आखिरी में खोलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि स्नेक आइज नाम की सिक्योरिटी कंपनी है जो सौडांगी ने स्टार्ट कर दी है उसका। तो इन्होंने स्नेक आइज नाम की एक सिक्योरिटी कंपनी खोल ली है जो बॉडी गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजते हैं बैंक में और भी तीसरे चीज़ों की रक्षा करने के लिए। तो उसके बाद इन लोगों नागमणि और किंग दोनों मिलके नागराज के गुप्त रूप की छानबीन करने में लग जाते हैं कि आखिर गुप्त रूप है कौन। तो इसमें यार, इसमें दिखाते हैं, और मुझे इतना एक कंसेप्ट आपके सामने बताना चाहूँगा यार। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यार राज कॉमिक्स के विलेन इतने बेवकूफ़ हैं यार। यहाँ पे राज की फ़ोटो सीधी दिखाई दे रही है, उनको लोग को ये नहीं पता कि यार भाई ये नागराज है, कानों में कुंडल पहनता है, आँख पे चश्मा चढ़ाता है, बाल फेर लेता है, वही है। लेकिन इन लोग बताते हैं, गेस एकदम गलत निकालते हैं। और हम जो नागराज का दोस्त है, सॉरी राज के रूप में राज का दोस्त है, तो ये लोग प्रेडिक्शन लगाते हैं भैया वो होगा। मेरे को समझ में नहीं आया इतना बेवकूफ़ कोई भी कैसे हो सकता है भाई। नागमणि इतना इंटेलिजेंट है, उसने विष को ही हथियार बना लिया था, और ये किंग, किंग तो खैर जानती नहीं उसके बारे में भी, और इन्होंने प्रेडिक्शन लगाया भैया अब्राहम हो सकता है नागराज, और क्योंकि इनको कहीं भी जाने की आज़ादी है। और उसके बाद नागराज का भाई सबसे आइकॉनिक मोमेंट आता है जिसमें पता चल जाता है सबको कि भैया राज ही नागराज है। तो ये मेरे को थोड़ा सा गलत लगा कि यार इतना बेवकूफ़ भी नहीं दिखाना चाहिए विलेन को। और उसके बाद एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इसके बाद जो कॉमिक्स आई थी आदम, तो उसमें अगर आप ये स्पीच बबल, ओके 1 मिनट, सब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सर्वांगी ने बताया कि पूरे ब्रह्मांड की कोई भी ताकत पहचान नहीं सकती कि ये इच्छाधारी नाग है। और अगले ही पल आदम नाम की कॉमिक्स में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाता है कि ये आदम ये इच्छाधारी नाग है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं कहा तब फिर इतना दिखाने की ज़रूरत ही क्या थी इन लोग को। और उसमें दिखाता है भैया नागराज बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है, ग्लोब से दब के ड्रैगन को पीटता है, और इसमें इन लोग की हालत हो जाती है ख़राब, जो नागमणि और किंग यहाँ से बैठ के देख रहे होते हैं। तो ये तो ओरिजिनल है, और इसमें 64 पेजेस हैं जिसमें से आई थिंक 58 पेजेस की कहानी होगी। तो इन लोगों ने बोला था कि भैया हम लोग एक 3D चश्मा दे रहे हैं, तो मैं कहा कि ठीक है, लेकिन मिला नहीं मेरे को। और मैंने साईं अंकल से ही पता किया था, वो भी खरीदे थे ये वाला सेट, और मैंने भी उन्हीं साथ मंगाया था क्योंकि पहले मेरे पास इंटरनेट इतना नहीं था, हम लोग कीपैड वाला मोबाइल चलाते थे, तो उसमें आईडी वीडी बनाना बहुत मुश्किल था। और उसके बाद ये हुआ कि साई अंकल लाते हैं कॉमिक्स, तो मैंने भी मंगवा दी पैसा देकर, और उस ये सब ओरिजिनल है। और यहाँ पे ये संजय गुप्ता जो हैं राज रोजाना एक नया शुरुआत की थी, उसमें माफ़ी मांगी है कि हम आपके पाठकों को 3D चश्मा मुफ्त देने वाले थे, किंतु समय पर चश्मा ना तैयार होने की वजह से हमें इन मौके पर अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। फिर उन्होंने इसके बाद भी कोई जहमत नहीं उठाई भैया 3D चश्मा दे दो किसी और कॉमिक के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे कुछ लोगों की फ़ोटो है, यहाँ पे एक 3D चश्मा देने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे 3D कॉमिक्स आखिरी कुछ पन्नों में, जो आई थिंक
कि उतना पॉपुलर नहीं हुआ था। इन लोगों ने कंसेप्ट उठाया था लेकिन उतना अच्छा नहीं था। और मेरे पास एक ये PVR मूवीज़ में मिलने वाला चश्मा है, तो इसमें देखते हैं अगर तो वैसे ही नज़र आता है, कुछ खास तो नज़र नहीं आता इसमें। और ये अगर आपको ये पेपर बैग मिले तो पढ़ लेना यार, कलेक्टेड एडिशन मिले तो ठीक है, कोई खरीद लेना। ये कॉमिक्स बुरी नहीं है, अच्छी है। और इसमें सबसे बड़ा बेवकूफ़ी मुझे यही लगा कि यार बगल में राशि फोटो 100% नागराज से मिलता हुआ है उसका चेहरा, लेकिन तभी भी ये लोग अब्राहम को बोलते हैं कि भाई अब्राहम ही हो सकता है नागराज। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कहा कि अनुपम जी इतना बेवकूफ़ मत दिखाया करो यार विलेन जी, विलेन लोगों को। उस अजनबी जो पिछले वाले भाग नागराज के बाद कॉमिक्स में रो रहा था, और उसके बाद अजीबोगरीब शक्तियाँ आ जाती हैं, और उसके बाद सड़ांगी और नागू दोनों सारे छधारी नागू से लड़ने लगते हैं, और फिर उसके बाद विसर्पी भी आ जाती है। उसने अपना ये क्या बोला था इसका रण रूप के साथ इन्होंने अपना कॉस्ट्यूम तैयार कर लिया, और उसके बाद दिखाता है भैया बहुत पावरफुल है ये। और एक नया चीज़ सामने आता है जिसमें दिखाते हैं कि ये कुछ कुछ नागराज जैसा लग रहा है, बस कलर अलग है और बाल का कलर अलग है। तो हाइप क्रिएट की थी नागराज के बाद में, वो अभी तक चल रही है। थोड़े बहुत इधर उधर निकल्स हैं जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं, पर ये पॉइंट टू बी नोटेड कि यार विलेन को इतना बेवकूफ़ मत दिखाया करो भाई, उसको भी थोड़ा सा दिखाया करो कि हाँ भाई उसके पास भी दिमाग है, वो भी एक इंसान है और सोच सकता है ऐसा। हमेशा की तरह इन लोगों ने फिर गड़बड़ कर दी है, इन्होंने तीन आदमियों को काम दे दिया दोबारा, और इसमें एक नया आदमी भी है सागर थापा। तो ऑब्वियसली अजीब सा आर्टवर्क दिखाया गया, इंकिंग बहुत ही कमज़ोर लगती है। हमारा होम ग्रोन हीरो नागराज महानगर की रक्षा करते हुए और इसमें जूझ रहा है, तो ये अच्छा लगा मुझे यार। ये लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि स्पाइडरमैन में काफ़ी देखता हूँ, स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट हीरो है मार्वल में से। उसमें भी यही दिखाता है भैया स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में ही रहता है, वहीं की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये अच्छा लगता है मुझे। ये आतंकवादियों वाला कुछ खास नहीं लगा, शुरुआत में इंटरेस्टिंग लगा लेकिन फिर बाद में बोरिंग हो गया। और ये पूरी ओरिजिनल कॉमिक्स है, तो ये यहाँ सेट का डिटेल छपा हुआ है। इसमें मैंने सारी कॉमिक्स ली थी, और विनाम भी है मेरे पास ओरिजिनल वाली, प्रेम अश्रू दूध घास और बोकाल जाम, ये सभी मेरे पास थी। मैंने अभी तो मिक्स हो गई होंगी, मैं वैसे मैंने अलग रखा था। और मेरा ये आदत था कि यार यहाँ पे जितने भी कॉमिक्स हैं मेरे पास उसमें सब टिक लगाता हुआ चलता था मैं। ये तो बहुत पहले का है, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले का ये है, मैंने किया हुआ है। और उसमें डेट नहीं लिखा मैंने, मैंने उससे साइन कर लिख देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मुझे डेट कहीं नहीं मिली। और एक बात मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये रिव्यू तो सही था, रिव्यू अगर स्टोरी के मामले में स्टोरी इस बार थोड़ी वीक पड़ जाती है, तो 6/10 देना चाहूँगा। और उसके बाद आर्टवर्क हमेशा की तरह पिछली बार की तरह ही है यार, कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ, तो मेरे को वही 3 या 4 स्टार दूंगा उसको, 3.5 स्टार दे देता हूँ आर्टवर्क को। तो मेरा कुछ खास नहीं लगा आर्टवर्क। अगली ब्लॉग में मिलते हैं, वरना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और मेरे को 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो भाई तो मैं एक कॉमिक्स ज़रूर गिव अवे करूँगा। अभी क्लियर नहीं है कौन सी कॉमिक्स गिव अवे करूँगा, लेकिन जल्दी ही गिव अवे करूँगा उसको कॉमिक्स को।